हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरह से एज निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एज। किसी भी बैंक का हम अगर फॉर्म भर रहे हैं, ओपनिंग फॉर्म भर रहे हैं, या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या सिविल सर्विस का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक डेट का आप एक ऑप्शन होता है, वो आपको फिल करना पड़ता है। तो आपको ये आना चाहिए कि हम किस तरह से एज निकालते हैं। सपोज करिए किसी की फॉर्म भरने की जो है, वो उसमें फॉर्म पर ये मांगा जा रहा है कि आपका 2020 में आपकी एज कितनी हो गई, 10 मार्च 2020 तक आपकी ये लास्ट डेट है, और इसमें मेंशन है कि आप इस एज पे आप कितनी, आपकी एज कितनी हो गई इस डेट पर। ओके, तो इसलिए मैंने उल्टा क्यों लिखा, उसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या है, ये दिन है, मंथ, ये ईयर। पहले हमने क्या है, दिन लिखा। सेकंड में क्या है, माह, मंथ, लास्ट में वर्ष। अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी जो आप सिविल सर्विस, आप कौन किस एज के लगभग जो फॉर्म भर रहे हैं ज़्यादातर, तो वो हम लगभग 2001 के हैं, एक के होंगे। 15 अप्रैल 2001, ओके, ये एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं। आप 10 में से 15 जाएगा नहीं, तो फिलहाल तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब तो ये क्या है, एक हम यहाँ से लंगे, तो ये क्या है, आपका महीना है, यानी मंथ है। अब एक चीज़ आपको आनी चाहिए कि कौन सा मंथ किस कितने दिन का हो, हमने डेज कितने दिन का होता। तो ये जो हमारी जो है नकल, यानी गांठें जो है इंग्लिश में, जैसे नकल, नकल, NUCKLE, ओके, जैसे क्या बोलते हैं हम, नकल बोलते हैं। तो ये नकल जो टॉप पार्ट है, यानी जनवरी, फरवरी, फरवरी में हम साहब हर कोई जानता है कि 28 डेज का होता, लेकिन एक्सेप्ट लीप ईयर। लीप ईयर कितने का होता है, 29। जैसे 2020 जो है वो क्या है, लीप ईयर है। तो अब इस साल जो फरवरी का जो डेज होंगे वो कितने होंगे, 29 डेज के। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर हम बैक आ जाते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं इजीली कि कौन कौन सा महीना कितने दिन का होगा। ओके, अब मार्च कितने का है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च कितने का है, 31 डेज, यानी कितने दिन है, 31 दिन है। तो 31 दिन जो हैं आपके, आप यानी एक यहाँ से माइनस करोगे तो ये इसका मतलब कितने दिन आ जाएंगे, 31, 21। ओके, यहाँ कितने महीने बचेंगे आपके, 2 महीने। ओके, यहाँ कितने आ गए डेज, तो 31 और प्लस 10 कितना होगा, ये आपके 41। आपको माइनस जो करना पड़ेगा वो 41 में से करना पड़ेगा, 15। तो 1 में से 5 जा नहीं सकता, तो एक इधर लो, तो 11। 11 इसका मतलब कितना हो गया, 11 और 5 गया तो कितना बचे, माइनस, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ओके, अब ये 3, 3 में क्या है, 1, अब ये 4, ये कितना बचेगा, 2, क्योंकि 3 में 1 गया तो यानी 2, 26। अब ये क्या कितना बचा, 2, 2 में 4 गया तो जा नहीं सकता, 2 में से 4 जा नहीं सकता, इसलिए क्या करेंगे, एक यहाँ आपको ईयर आप ले लोगे, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, हमें हर कोई जानता है 12 मंथ होती हैं, तो 12 इसमें ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, 12 इसमें ऐड कर दोगे, 2 महीने पहले से थे, तो ये कितने हो गए, टोटल 14 मंथ्स हो गए, कितने हो गए, 14 मंथ्स। ओके, कितने हो गए, अब ये है 14 मंथ्स, कितने हो गए, 14। अब 14 में से आपको ये 4 मंथ था, खैर 4 मंथ माइनस करना, तो 4 में 4 गया 0। ओके, और 1 का 1 कितने हो गए, 10 महीने। अब ये कितना हो गया, 9, क्योंकि एक इधर हमने भेज दिया तो ये 9 हो गया, ये 2 था, ये 1 हो गया। ओके, तो 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8, 1 का 1, तो ये कितना हो गया, 18 साल 10 महीने 26 दिन का हो गया इसके। अब कितना, तो ये वहाँ मेंशन कर सकता कि मेरी क्या एज कितनी हो गई, 18 ईयर्स 10 मंथ्स 26 डेज डेज। ओके, अब ये तो आप सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ये तो हमारी थी क्या फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कल ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल की ले लो 2020। ओके, मंथ कौन सा है? 2। डेट क्या है कल? 7। यही ले लेते हैं। ओके, और ये डेट 96 के आसपास है। ओके, 28 पहला महीना ले लो, जनवरी। 1996 के कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, अब 7 में 28 जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। अब क्या है, देखिए आपको एक चीज़ बताई थी भाई, नकल की तो जनवरी फरवरी, और इस साल लीप ईयर है तो लीप ईयर इसका मतलब 29। तो ये इसमें से एक यहाँ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 29। 29 ऐड करेंगे 7 में तो कि ये कितना हो जाएगा? 7 और 29 यानी 30। आपको कितने में से माइनस करना पड़ेगा? कितने में से माइनस करना पड़ेगा बेटा? 36। ओके, 36 में से माइनस करेंगे क्या आप? 28 को, तो कितना बचेगा? 8। ओके, अब ये कितना बचा? एक बचा, क्योंकि एक इधर आ गया था मंथ मंथ में, फरवरी में कितने डेज थे? 29। तो 29 हमने इधर ऐड कर दिया था, ये बचा कितना? एक, यानी एक ही जन सॉरी एक एक बचा जनवरी, यानी एक एक महीना बचा। तो एक मतलब एक, इसका मतलब 0। ओके, अब ये 10, ये एक वहाँ एक यहाँ से लेंगे तो ये कितना बचा? 10। 10 में से 6 गया तो इसका मतलब 4 और 2 का 2, तो ये क्या 24 साल 8 दिन का कितना है? कितना हो गया? 24 ईयर्स 8 डेज। ओके, तो हमें इस तरह से मेंशन करना। तो हम ये इस वीडियो में भी हमें मालूम हो गया किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एज, और मंथ में किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, देखिए ये है, मैं और रिपीट करवा देता हूँ आपको। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो टॉपर है इसका मतलब वो 31 डेज, वो जो नीचे है आएगा वो क्या? 30 डेज का होगा। ओके, एक्सेप्ट देखिए, स्टार्ट अगर जनवरी जनवरी फरवरी, तो फरवरी कितने का होगा? 28 का होता है, एक्सेप्ट लीप ईयर। लीप ईयर में क्या? 1 डे ऐड होगा, 1 डे ऐड होगा, तो इसका मतलब वो क्या है? 29 का हो जाएगा। ओके, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।